नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर विस्तार से, जहां हर खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उज्जैन से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। 18 यात्री पूरे हादसे में घायल हुए, 4 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। महीदपुर तहसील के गांव नारायणा और गांव सेका खेड़ी के बीच यह हादसा हुआ है। पुलिस ड्राइवर की पहचान करने में जुटी हुई है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसे का अंदेशा जताया जा रहा है। तस्वीरें देख लीजिए कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। और इस पूरे हादसे में 4 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। 18 यात्री ऐसे हैं जिनको घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। 40 यात्री इस पूरे बस में सवार थे, लेकिन 4 यात्रियों की स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह के मामले सामने आते हैं, जब तेज रफ्तार के वजह से बस हादसे का शिकार हो जाती है। और फिर एक बार ऐसा ही मामला उज्जैन से सामने आया। आप तस्वीरों में देख लीजिए, जिस तरीके से बस की हालत देखी जा रही है, उससे समझा जा सकता है कि बस की स्पीड कितनी तेज रही होगी और साथ ही क्या दुर्दशा, क्या स्थिति हुई होगी उन यात्रियों की जो उस बस में सवार थे। परखच्चे उड़ गए हैं बस के। तो यात्रियों को सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। 18 यात्री घायल हुए हैं, 4 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, आखिर इस हादसे की वजह क्या है। तो देखिए, खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ करेंगे भोजन। सीएम हाउस में 26 जून को दिया गया आमंत्रण, उसके बाद मुख्यमंत्री साय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान करेंगे। और प्रदेश के हर जिले से मीसा बंदियों को आमंत्रित किया गया है। लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने जानकारी दी है। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी संजय ठाकुर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भोजन करने वाले हैं, क्या तैयारी रहने वाली है? देखिए, सीएम साय सिर्फ फ्रीडम फाइटर ही नहीं, मीसा बंदियों के साथ भी कल भोजन करेंगे। मीसा बंदी जो है वो लगातार पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के बीच एक बड़ा मुद्दा बनते आया है, क्योंकि सभी जानते हैं कि 75 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया था, उस दौर में जितने लोगों ने सजा काटी, जिन्हें जेल हुई, इन्हें मीसाबंदी कहा गया। और इन्हें जो है, आपको याद होगा पिछली सरकार भूपेश बघेल सरकार में इन्हें जो सम्मान राशि दी जाती थी 15,000 रुपये, वो बंद कर दी गई थी। इसे फिर से 8 जून को ही साय सरकार ने शुरू किया था। इसके बाद इस बार जो है इनके साथ बैठ कर भोजन किया जाएगा, साथ ही जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके साथ भी भोजन किया जाएगा। वो फ्रीडम फाइटर जो 47 से पहले देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे, इनके साथ सीएम साहब भोजन करके एक बार फिर से इन्हें इनका सम्मान जो वापस दिलाने की बात जो है ये करते नजर आएंगे। तो ये जो है एक बड़ा मुद्दा है जिस पे कल सबकी नज़र होगी, क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं देश के, ये देश के सम्मान के वो हकदार हैं। और इन्हें वापस जो है लाइमलाइट में लाने के लिए, या इनसे फिर से जो है समाज इनके बारे में जाने, ये मुझे लगता है कि मुख्य कोशिश होगी साय सरकार की। बिल्कुल संजय, ये बहुत अच्छा प्रयास है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जबलपुर की। जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोक कलाकारों के साथ जमकर झूमते हुए नजर आए। वहीं रानी दुर्गावती की समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पौधरोपण भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा आदिवासी जननायकों को सम्मान दिया है, उनका सम्मान किया है। कहा कि बीजेपी ने देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को बिठाने का काम किया है। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल मंच पे मौजूद नजर आए। कमजोर वर्ग के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, हमारी सरकार के माध्यम से लगातार, जैसे मैंने कहा कि रानी दुर्गावती के नाम से 5 लाख का पुरस्कार हमने घोषित किया है, जिनके माध्यम से उनके विविध पक्षों को सामने लाएंगे। और आपने कहा हमारा एयरपोर्ट जबलपुर वाला गढ़ और मंडला दोनों को मिला के उनका अपना गढ़ मंडला बनता था, तो गढ़ के अंदर
ये रानी दुर्गावती के नाम पर स्टेडियम के लिए भारत सरकार से बहुत जल्दी मंजूरी दिलाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा, जिसके कारण से ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाए। और देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा आगामी बजट सत्र को लेकर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान सामने आ चुका है, जहां पर बजट सत्र की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो भी विजन है, बजट पेश होगा, वो बेहतर होगा, जनहितकारी होगा, जनता से जुड़ा और जनता के लिए होगा। कहा कि सरकार के द्वारा जारी सभी योजना निरंतर जारी रहेगी। केंद्र सरकार में निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश को बहुत कुछ अच्छी सहायता मिली है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस के पास नहीं है कुछ। कांग्रेस पहले तो जब खुद अपन जब सरकार में बैठे थे तब का बता दे, अभी तो कोई कमी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है, पूरी तरह से सरकार अच्छी चल रही है और जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी वो निरंतर जारी रहेगी, किसी प्रकार की कोई कटौती उसमें नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने मुलाकात की और दोनों के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा सीएम मोहन यादव से 90 के दशक से संबंध है, हम लोग पुराने साथी हैं। नक्सलवाद मुद्दे को लेकर कहा, छत्तीसगढ़ में हमने 2003 में सरकार बनने का बात और नक्सल का सफाया किया, पूरे सरगुजा में हमारी तत्कालीन सरकार ने नक्सल का सफाया किया। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस की पिछली सरकार में नक्सलवाद को फिर बढ़ावा दिया गया। माननीय हमारे यशस्वी पूर्व संगठन मंत्री वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय श्री शालिग्राम जी तोमर के साथ में काम किए हुए सारे मित्रों का आज मैंने अपने हाउस में मुख्यमंत्री निवास में स्वागत किया है। इस अवसर पर हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान अरुण साहू जी आज आए हैं, उनके साथ सारे मित्रगण आए हैं। ये हमारा अपना संयुक्त मध्य प्रदेश का पुराना समय है, जिसको हमने स्मरण भी किया है और ये संबंध जीवन भर रहेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। सब ये 90 के दशक विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले लोग हैं और बहुत आनंद आया सबसे मिलकर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी साथियों के साथ मिलकर। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया, हम सबका सम्मान किया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो अटूट संबंध है और हम कार्यकर्ताओं का उसी तरह से अटूट संबंध है, बहुत आनंद आया। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां नगर निगम में MIC बैठक शुरू हो चुकी है। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मीटिंग में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। स्मार्ट वाटर मीटर से लेकर जल भराव समेत कई एजेंडों पर चर्चा जारी है। इससे पहले 10 जून को MIC की बैठक की गई थी। हम आपको बता दें कि लगातार बैठकें भी हो रही है, इस बार नगरीय निकाय चुनाव भी होना, इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैनेजमेंट को दुरुस्त किया जा सके। इससे पहले मेयर ने नगरीय प्रशासन मंत्री से मुलाकात की, तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण काम शुरू करें आग्रह किया था। विभिन्न विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए की मांग भी की थी। तो हम आपको बता दें कि MIC की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। नगर निगम में इस वक्त बैठक चल रही है, महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र, इस वक्त MIC की बैठक चल रही है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, जानकारी दीजिएगा। देखिए, बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में परिसीमन को लेकर बात हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो परिसीमन है, राज्य सरकार ने परिसीमन का आदेश दे दिया है, सभी नगरीय निकायों में परिसीमन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जो 70 नगर निगम की जो 70 वार्ड हैं, उससे ज़्यादा सीमा नहीं बढ़ सकती, संख्या नहीं बढ़ सकती, उस लिहाज से ये काफ़ी अहम है। रायपुर नगर निगम में 70 पार्षद पहले से ही हैं, ऐसे में जो परिसीमन होगा उसमें अब सीमाओं का बंटवारा किया जाएगा, वोटरों की संख्या को बराबर करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही जो नगर निगम की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे जल भराव है, क्योंकि आने वाले समय में बारिश होने वाली है, बरसात का मौसम आने वाला है, तो इन सब चीज़ों को लेकर एक एक करके बातचीत शुरू हो रही है। जी,
बिल्कुल, तो देखिए कई मुद्दे पर बातचीत चल रही है, जैसा कि जानकारी मृगेन ने दिया कि वहां पर परिसीमन को लेकर भी चर्चा हो रही है और ये चर्चा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मृगेन आपका। तो कोरबा का रुख कर लेते हैं। कोरबा में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने शासकीय विद्यालय के मेरिट 100 मेधावी विद्यार्थियों को JEE और नीट की कोचिंग के लिए बस से रायपुर रवाना किया और इससे जिले के युवाओं को अब अधिक लाभ मिलेगा, पढ़ाई के लिए दूसरे प्रदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्री ने छात्रों को आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार किया है, लक्ष्य को हासिल कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान पाली तानाखार विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम, महापौर राजकिशोर प्रसाद, कलेक्टर अजीत वसंत मौजूद थे और उन्होंने बताया कि संस्था में चयनित विद्यार्थियों का शैक्षणिक शुल्क, भोजन, आवास सहित दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा। तो देखिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गुना के दौरे पर जाएंगे और इसको लेकर हम जानकारी आपको विस्तार से दे दें, बड़ी जानकारी क्योंकि मिल रही है। सिंधिया आज शाम 7 बजे गुना पहुंचेंगे, लक्ष्मीगंज से रोड शो करेंगे, उसके बाद आभार सभा करेंगे क्योंकि गुना सीट से सिंधिया सांसद है और स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के पश्चात गुना में रात्रि विश्राम करेंगे, कल सुबह 10 बजे अशोकनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो देखिए इस वक्त महादेव सट्टा ऐप एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं विस्तार से आपको बता देते हैं। राजनांदगांव में महादेव सट्टा ऐप जैसे प्रतिबंधित ट्रेडिंग सट्टा ऐप मामले में पुलिस ने 2 ठग और 2 बैंक अफसर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने महादेव सट्टा ऐप और लोटस ऐप के नाम से संचालित हो रहा था। गिरोह के सदस्य लोटस सट्टा ऐप में पैसे का अवैध लेन देन करते थे और भोले भाले ग्रामीणों के बैंक खातों से अवैध ट्रांजेक्शन कराते थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर खाता खुलवाया था, वहीं खाता धारकों को भी अपने ट्रांजेक्शन की जानकारी नहीं होती थी। गिरोह के सदस्य खाता धारकों को कमीशन दिया करते थे। पुलिस ने आरोपी के पास से पासबुक, चेक, ATM बरामद किया और धर्मजयगढ़ से पुलिस ने दोनों मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। तो देखिए खबर उज्जैन से है। उज्जैन में 14 विद्या और 64 कलाओं की शिक्षा देने वाला वैश्विक गुरुकुल खुलेगा। एक ऐसा गुरुकुल जहां नई पीढ़ी के बच्चों को प्राचीन और आधुनिक सभी विषयों का अध्ययन प्रशिक्षण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद ही उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश धर्म एवं संस्कृति संचालनालय ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के अनुसार और भगवान श्री कृष्ण मध्य प्रदेश में जहां जहां से गुजरे हैं, ठहरे हैं, वहां अध्ययन, अन्वेषण और सर्वेक्षण किया जाएगा। आज हमारा सनातन जो उज्जैन अवंतिका नगरी से आज भारत के चरम पर लहरा रहा है, वैसे ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उन्हीं का आशीर्वाद स्वरूप आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने एक भाषा जो उन्होंने बोला है कि राम वन पद गमन जाएगा बनेगा, साथ ही कृष्ण वन पद गमन बनेगा। इससे हमारे आने वाली जो जनरेशन रहेगी वो शैक्षणिक स्तर पर उनको शिक्षा के बुक्स में शामिल किया जाएगा। तथाकथित जो कथावाचक लोग हैं जो जनता को भ्रमित करते हैं कि इस प्रकार का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हमारे जो आज के होनहार बच्चे जो आज भविष्य में जब उस चीज़ को पढ़ेंगे तो वो भी राम और कृष्ण के बारे में बहुत अच्छे से जान सकेंगे। सनातन धर्म के प्रति लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काम काज कर रहे हैं और जिस प्रकार उनकी छवि है कि सनातन धर्म का ध्वज पूरे विश्व में फैलना चाहिए, उसी में एक कदम और उन्होंने आगे बढ़ा है। प्रभु श्री राम वनवास के दौरान जिस जिस पथ से गुजरे थे वहाँ पर पथ गमन बनेगा, वहीं भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ पर वो गए थे, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े थे वहाँ पर भी गत गमन पथ बनाने की
प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है। साथ ही स्कूली शिक्षा क्रम के पाठ्यक्रम में भी प्रभु श्री राम का पाठ पढ़ाया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण का पाठ पढ़ाया जाएगा। और ऐसे में जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो युगों युगों तक भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान सकेंगे, प्रभु श्री राम के बारे में जान सकेंगे, साथ ही सनातन धर्म क्या है इसके प्रति भी जागरूकता फैली जा रही है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। तो देखिए, वही मुख्यमंत्री के निर्देशों का संत और पुजारियों ने स्वागत किया है और कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सनातन धर्म को बारीकी से समझते हैं और उन्होंने इस महत्वपूर्ण योजना की तरफ ध्यान दिया है। तो चलिए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां पर सरकारी दावों के बीच इस बार किसानों के लिए खेती काफी महंगी साबित हो रही है, जहां किसानों को इस बार चौतरफा मार सहना पड़ रहा है। मौसम की मार से परेशान किसान अब खाद की कालाबाजारी से भी परेशान नजर आ रहे हैं। खाद की कालाबाजारी से जुड़े दुकानदार और थोक विक्रेता मालामाल हो रहे हैं, खासकर यूरिया और डीएपी की किल्लत का सामान किसानों को करना पड़ रहा है इसका सामना। और साथ ही प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से दुकानदार की मनमानी भी चरम पर नजर आ रही है। खाद के अभाव में किसानों की फसल प्रभावित हो रही है। तो सर डीएपी खाद है नहीं बोल रहा है और किसानी सर पे है, किसान भटक रहे हैं डीएपी खाद के लिए। गवर्नमेंट की सोसाइटी में डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है, प्राइवेट में है तो कहीं कहीं रेट अधिक में लेना पड़ता है, 100-150 रुपए मार्केट में। दुकान में लेने से अब कुल मिला के अपना जरूरत है तो उस हिसाब से लो तो कोई 200 रुपये ज़्यादा दे रहा है, कोई 150 रुपये ज़्यादा दे रहा है, इस प्रकार क्या है। अब अपने जरूरत है तो आप दुकान से खरीदो, तो जरूरत है तो जरूरत के मुताबिक 200-300 रुपये ज़्यादा दे के भी खरीदना है। और सरकार से कहेंगे कि जितना जल्दी हो जाए हो सके वो उपलब्ध कराए ताकि किसानी सुचारू रूप से चल सके, नहीं तो आने वाला समय में बरसात लगी गया है, बावा तो देख देख के चालू हो गया है, तो उस हिसाब से अभी तो बहुत जरूरी है खाद। दुर्ग के गिरधारी नगर में रविवार की रात सड़क पर गाय का कटा हुआ सर फेंकने पर बवाल मच गया। देखिए, वही घटना की जानकारी लगते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। तत्काल हजारों की संख्या में बजरंगी एकत्रित हो गए और गाय के कटे हुए सिर को लेकर दुर्ग के पटेल चौक पर पहुंच गए और साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। और यही नहीं, नाराज बजरंगियों ने एकजुट होकर सिटी कोतवाली थाने का घेराव किया। इस दौरान बजरंग दल के लोगों को नियंत्रित करने लगभग सभी थानों के टीआई सहित पुलिसकर्मी लगे रहे, लेकिन स्थिति नियंत्रण के बाहर रही। मजबूरन स्थिति नियंत्रित करने वाले पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और उधर बजरंग दल जल्दी आरोपियों को पकड़ने का अल्टीमेटम दिया और साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी देते हुए नजर आए। ये दुर्ग कोतवाली के थाना के अंतर्गत गिरधारी नगर का मामला है। अभी शाम को ही पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ पे किसी बछड़े का गला पड़ा हुआ है, सर पड़ा हुआ है, तो तत्काल पुलिस ने वहाँ पे अभी अपनी वहाँ पे पहुँची थी और पहुँचने के बाद अपनी कार्रवाई चालू करने वाली थी। इसी बीच बजरंग दल इसके समर्थित कुछ लोग आ गए थे, उनका शिकायत था कि ये सब जो घटनाएं हैं जो विशेष लोगों के द्वारा ही किया गया है, उनका एक आरोप था और इस कारण से वो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। बल का प्रयोग किया देखा गया। तो आपने सुना, ये विवाद पुराना है। लगातार पत्नी आरोप लगा रही है कि मेरे पति का दो अन्य महिलाओं के साथ पहले से ही संबंध है और जिस वजह से पति महिला को दबाव बना रहा है कि मुझे तलाक दे दो और इस वजह से मारपीट की जा रही है। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया और आगे इस पर कार्रवाई भी आवश्यक होगी। तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली की। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिलों में इन दिनों आशा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है और बीसीएम से परेशान होकर आशा कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षक के साथ मोर्चा खोल दिया है। जिले के देवसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवसर में पदस्थ बीसीएम राजेश शाह की तानाशाही और भ्रष्ट रवैये से तंग आकर प्रदर्शन पर उतर आए हैं और इनका आरोप है कि बीसीएम राजेश शाह वेतन देने के नाम पर अवैध वसूली करते हैं, जो कि आशाएं पैसा नहीं देती है, उनके वेतन की राशि बजट की कमी का हवाला देकर काट लिए जाते हैं। वहीं पर्यवेक्षक आरपी शुक्ला ने आरोप लगाया कि समिति सदस्यों की नियुक्ति के बाद सूची जारी करने के लिए भी बीसीएम द्वारा पैसों की डिमांड की जाती है। कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो 10 जुलाई के बाद आमरण अनशन करने के लिए मजबूर होंगे। यह है कि पैसा डालते हैं जो जो हम यहाँ से बनता है पैसा हमारा,
तो डालते नहीं है पैसा, आधा देते हैं आधा नहीं देते हैं। मेरा भी अप्रैल का पैसा 2000 कटा, मैं गया था देवसर तो बोले सर काहे के लिए काटे हैं, बोले कि हो गया आपका रिकॉर्ड सही नहीं होगा। वो कब BCM सर मेरा रिकॉर्ड चेक करने आए थे कि इसका रिकॉर्ड नहीं, और मैं फिर रिकॉर्ड लेकर गए थे सर हम 20,000 रुपये, तो हम बोले कि हम 20,000 रुपये नहीं दे पाएंगे, 20,000 देंगे तो हम सामान किसके लेंगे, तो फिर बोले कि आपका नहीं हो पाएगा इसमें 5,000 में, 5,000 ले लिए हैं और मतलब बाकी अभी पूरा पैसा नहीं है। और इनका सिंगल विंडो मैं यहाँ से बनवा के देता हूँ, सहयोगिनी ले जाके जमा करती हैं और इनका पूरा सिंगल विंडो जो जाता है उसमें इनका काट के पैसे दिए जाते हैं, बताते हैं कि बजट नहीं है, पर जब बजट आता तो फिर इनका नहीं देते, जो लोग पैसे दे देती उनका पैसा दे देते। यहाँ से कई लोगों सीताकली हैं, केश कुमारी हैं, इनसे पैसे ले लिए 5,000 रुपये, इनका कुछ का दे दिए कुछ का नहीं दिए, और समित का पैसा देने के लिए 1,000 रुपये ले रखा, सबसे समित का इनका रजिस्टर रख रखा है। आशाओं की नियुक्ति करते हैं तो जिसकी नियुक्ति हो जाती है समित के द्वारा उसी से फिर फोन लगा के 20,000 लेते, फिर लिस्ट निकालते हैं। सूरजपुर जिला में आजादी के 75 साल बाद भी लालटेन युग में जिंदगी बसर करने को मजबूर है लोग। जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 50 से ज्यादा परिवार लालटेन की सहारे जीवन व्यापन कर रहे हैं, और मामला गोविंदगढ़ पंचायत के चारपारा मोहल्ले का है, जहां बिजली के अभाव से ग्रामीण परेशान है, मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो वहीं आधुनिक युग में इस गांव में युवाओं के शादी ब्याह के लिए कोई अपनी बेटी को इनके घर नहीं देना चाहता, क्योंकि बिना विद्युत के जीवन बसर करने वाले इन परिवार वालों की जिंदगी देखकर दूसरे पंचायत के लोग भी इनकी बदहाली से दूरी बनाए रखते हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों की दलीलें केवल दावा तक ही सीमित है। तो बहुत दिन से जी रहे हैं, अब जब तक हम लोग जान रहे हैं तब तक तो लाइट बत्ती जो कि माटी तेल भी मिल रहा था वो भी नहीं मिलता है, और लाइट तो खंभा तक नहीं गिरा है यहाँ। मीटर नहीं लगा आप लोग? कुछ नहीं, मीटर ना खंभा तक नहीं है तो मीटर कहाँ लगेगा। वो तो करे वो करते हैं सर, अपन आते हैं अपन डिप्टी पकाते हैं वो चल जाते हैं, बोले कि नहीं लग जाही लाइट, वो बिजली वाला वन भी कह धारा है मतलब कि लीक के लेकिन पता नहीं होला कहाँ डाल देते हैं हमके नहीं पता। रात के समय न लाइट न बत्ती, अंधार में टारस उरस, आजकल दुकान उकान भी नज़दीक बाजार भी तो है थोड़ा बहुत दूर में है, तब का करें टारस के भरोसे। ऐसा गाँव जो विद्युतीकृत है पर उसके मजरा टोला जो है उसमें बिजली नहीं पहुँचा है, तो इस ऐसे सभी गाँव का हमने प्रपोजल तैयार करके, सर्वे वगैरह करके प्रपोजल बना करके हायर अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए भेजे हैं सर। अप्रूवल सेंक्शन पश्चात वो काम वहां पे हो जाएगा। तो वही सुकमा में आईडी विस्फोट में शहीद हुए जवानों को करणपुरा कोरबा बटालियन के में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कोबरा बटालियन के सभी जवान थे। DGP अशोक जुनेजा सहित पुलिस और CRPF के उच्च अधिकारियों ने शहीदों को अंतिम सलामी देते हुए श्रद्धांजलि दी है। सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके में रविवार को नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाते हुए आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया था, और इसी दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाते हुए आईडी ब्लास्ट किया था। दिनांक 23 जून को जिला सुकमा एवं बीजापुर का सीमावर्ती इलाका सिलगेरे एवं टेक्लोगुड़म के बीच में मोदी द्वारा लगाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से कोबरा 201 बटालियन का दो जवान विष्णु एवं शैलेंद्र शहीद हो गए। दोनों शहीदों का करणपुर कोबरा 201 बटालियन मुख्यालय में DGP छत्तीसगढ़ CRPF एवं कोबरा के वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि द्वारा अंतिम सलामी दी जाकर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।